हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी से जुड़ी हुई एक नई अपडेट के साथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो भी बीएड स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे कि उनके रीअपियर के फॉर्म भरने कब से शुरू होंगे, तो उनके रीअपियर के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, जो 6/4/2021 यानी दो दिन पहले शुरू हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको जो रीअपियर फॉर्म भरने हैं उसके लिए आपकी फ़ीस कितनी रहेगी, आपकी जो लास्ट डेट है वो कितनी रहेगी, लेट फीस 1000 रुपये है वो कब से लगनी शुरू होगी, और कैसे घर बैठे हम अपने रीअपियर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये सब बात हम आज की वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर के द्वारा क्या नोटिस जारी किया गया है रीअपियर के स्टूडेंट्स को लेकर। तो फ्रेंड्स, ये नोटिस है जो IGU मीरपुर के द्वारा जारी किया गया है, जो 6/4/2021 को यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें किन किन को ये नोटिस भेजा है वो यहाँ पर दिया गया है, और इसका सब्जेक्ट क्या है। तो इसका सब्जेक्ट है ओपनिंग द यूनिवर्सिटी पोर्टल फॉर फिलिंग अप एग्जामिनेशन फॉर्म बीएड, बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर रीअपियर। तो फर्स्ट और जो सेकेंड ईयर के रीअपियर के स्टूडेंट है बीएड बीएड के, तो उनके जो रीअपियर के फॉर्म है वो भरने शुरू हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आगे क्या दिया और 6 तारीख से शुरू हुए हैं, आगे इसमें क्या दिया गया है, इसमें आगे है इट इज़ द ब्रिंग टू काइंड नोटिस दैट बीएड बीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर रीअपियर एग्जामिनेशन फॉर्म आर टू बी फिल्ड अप एंड अपलोड ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल अप टू 6/5/2021 विदाउट लेट फीस फिलिंग विच ए लेट फीस विल बी चार्ज्ड एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स। यानी आपके जो रीअपियर के फॉर्म है वो 6/5/2021 तक बिना लेट फीस के भरे जाएंगे। यानी 6/4/2021 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और 6/5/2021 तक बिना किसी लेट फीस के आपका फॉर्म भरा जाएगा। यानी आपकी जो फीस होगी वही फीस लगेगी, बिना किसी लेट फीस के आपका 6/5/2021 तक फॉर्म अप्लाई किया जा सकेगा। और जो लेट फीस होती है वो हर बार की तरह सेम होती है, पहले 500 रुपये लेट फीस लगेगी, फिर उसके बाद 1000 रुपये आपकी लेट फीस लगेगी लास्ट डेट तक। तो फ्रेंड्स, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 6/5/2021 है विदाउट लेट फीस। आगे इसमें लेट फीस भी दी गई है कि आपकी कब से कब तक कितनी लेट फीस लगेगी। तो इसमें स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन फॉर्म की वो 6/4/2021 है, यानी दो दिन पहले आपका रीअपियर का फॉर्म भरना शुरू हो गया है 6 अप्रैल 2021 से। उसके बाद इसमें बताया गया है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म विदाउट लेट फीस 6/5/2021, यानी एक महीने तक आपका फॉर्म बिना लेट फीस के भरा जाएगा, जो आपकी फीस है उसी बेस पर। और इसमें आगे बताया गया है द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म विद लेट फीस रेट 500। यानी आपकी 500 रुपये लेट फीस कब से कब तक लगेगी, वो लगेगी 13/5/2021 तक। यानी 6/5/2021 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं तो आपकी कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। अगर आप 6/5/2021 से और 13/5/2021 के बीच फॉर्म भरते हैं तो आपकी जो फीस होगी रीअपियर फॉर्म की, उसके अलावा आपका 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज अलग से लगेगा। और उसके बाद इसमें बताया गया है द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म विद लेट फीस 1000 रुपये, वो होगी 20/5/2021। यानी 13 से लेकर और 20 तारीख के बीच, 13/5 से 20/5 तक अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपकी लेट फीस लगेगी 1000 रुपये। उसके बाद आपकी जो लेट फीस 1000 रुपये लगेगी वो आपकी लगेगी 20/5/2021 तक, 13 से 20 तक। यानी 6/4/2021 से 6/5/2021 तक विदाउट लेट फीस कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं लगेगा, जो फीस होगी वही भरी जाएगी। उसके बाद 500 रुपये लगेगी 6 से 13 के बीच, 6/5 से 13/5 के बीच। उसके बाद 13/5 से 20/5 के बीच आपकी 1000 रुपये लेट फीस लगेगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद इसमें नीचे लिंक दिया गया है कि इस लिंक से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और आपके यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेम एज यूनिवर्सिटी रोल नंबर। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके फॉर्म भरने की, आपकी लेट फीस कितनी लगेगी, लास्ट डेट क्या है। और फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि घर बैठे हम अपने रीअपियर का फॉर्म कैसे अप्लाई करें, उस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो बिना किसी वक्त को ज़ाया किए हुए। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको अपने मोबाइल
के या फिर आपके लैपटॉप जो भी आपके पास है उसके किसी ब्राउज़र पर आना है, और ब्राउज़र पर आप आकर आपको सर्च करना है IGU कैन अप्लाई। जैसे ही आप IGU कैन अप्लाई सर्च करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से जो साइट ओपन हो जाएगी, उस पर आपको यहाँ पर पहली जो साइट है IGU1.canapply.com पब्लिक इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज ओपन होगा स्टूडेंट लॉगिन और एडमिनिस्टर लॉगिन और कॉलेज और सेंटर लॉगिन के रूप में। इस पर इसमें से आपको स्टूडेंट जो लॉगिन है स्टूडेंट क्लिक हेयर एंड लॉगिन पोर्टल यहाँ आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास इस प्रकार से खुल जाएगा स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूजर नेम क्या है, यूजर नेम में आपको अपने जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल देने हैं। जैसे ही आप यूजर नेम में अपने यूनिवर्सिटी रोल नंबर डाल देंगे उसके बाद आपको नीचे पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। पासवर्ड में आप क्या डालेंगे, पासवर्ड में आपको अपना जो यूनिवर्सिटी आपका जो रोल नंबर है वही आपको इसमें फिल करना है, यानी आपका यूजर नेम और पासवर्ड सेम है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे सबमिट और कैंसिल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट सबमिट कर देना है। आप पहले यूजर नेम डालेंगे और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड आपके यूनिवर्सिटी रोल नंबर हैं जो यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको मिले हैं, फिर आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास एक नया पेज ओपन होगा, उससे पहले आपको यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइट कर लेना है। डेस्कटॉप साइट जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके पास कुछ अलग तरह से आपकी टैब ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से रीअपीयर पहला मिलेगा रिवॉल्व, दूसरा मिलेगा रीअपीयर फॉर्म। तो रीअपीयर फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रीअपीयर फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार से एक नई टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको आकर कोर्स चूज करना है, आपका कोर्स क्या है, इनमें से आपका कौन सा कोर्स है वो यहाँ पर आपको सर्च करना है। तो मेरा बीएड कोर्स है तो मैं बीएड कोर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ इसमें से। उसके बाद आपका सेमेस्टर कौन सा है, किस सेमेस्टर में आपको रीय है, तो सेमेस्टर आप जैसे ही चूज करेंगे सेकंड सेमेस्टर, जैसे आप सेकंड सेमेस्टर चूज कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नेम आएगा, आप इंस्टीट्यूट का नेम भी सिलेक्ट करेंगे। मेरे रीअपीयर नहीं है इसलिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं आ रहा है, आपके अगर रीअपीयर होगी तो इंस्टीट्यूट का नेम जरूर होगा, वहाँ से आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो इस प्रकार से नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट टाइप, तो स्टूडेंट टाइप में आपको यही सिलेक्ट करना है ATKT और रीअपीयर। जैसे आप प्रोसीड करेंगे उसके बाद तो आपके पास नीचे मेरे में खुल नहीं रहा है क्योंकि मैंने जो थर्ड ऑप्शन है आप देख पा रहे हैं ये इंस्टीट्यूट ऑप्शन ये रिक्वायर्ड है इसमें, बाकी मेरे रीअपीयर नहीं है इसलिए ये मैं फिल नहीं कर सकता। जैसे ही इस पर प्रोसीड करेंगे तो आपके पास नीचे पे नाउ का ऑप्शन होगा, आप जैसे ही पे नाउ करेंगे तो आपको जैसे आपको ऑनलाइन ही पे करना है तो उसमें आपके पास अगर डेबिट कार्ड या ATM कार्ड है तो उस पर से आप उसको पे कर सकते हैं। बाकी अगर आपने पहले कोई फॉर्म अप्लाई किया हुआ है ऑनलाइन अदर कोई भी नौकरी वगैरह का जॉब का तो उसमें आप देख सकते हैं कि आप अपनी फीस कैसे काटते हैं। तो नीचे पे नाउ का इसी प्रकार से ग्रीन बटन होगा तो आप उस पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर अपने क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह वगैरह डालने हैं। उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपके पास OTP आएगा, OTP से आप अपनी फ़ीस अपने ATM से काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप समझ गए होंगे, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।